बिग बॉस सीजन 18 के घर में वीकेंड के वार से पहले घर में बिग बॉस ने दिया सबसे बड़ा झटका। करणवीर को मिला इंसाफ, टाइम गॉड बनने के बावजूद भी नहीं बचा पाई अपने सबसे अच्छे दोस्त को ईशा सिंह। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, घर में हो रहा है शॉकिंग इवेक्शन। जैसा कि बिग बॉस ने सबसे पहले अनाउंस किया था कि इस वीकेंड के वार पर एक नहीं डबल इवेक्शन किया जाएगा, यानी कि दो कंटेस्टेंट को घर से बेघर किया जाएगा। इस लिस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले बिग बॉस ने टारगेट किया था तीन वाइल्ड कार्ड्स को, यानी कि यामिनी मल्होत्रा, अदिति मिस्त्री और साथ ही साथ एडेन रोज। ये तीन बिग बॉस के निशाने पर हैं, टॉप पर हैं। इनमें से जो भी लड़कियां जाएंगी वो तो अब को वीकेंड के वार पर पता चल ही जाएगा। लेकिन आखिर कैसे ईशा का मंसूबा हुआ नापाक और सारा को मिला सबसे बड़ा तोहफा। इसके साथ साथ आखिर कौन है वो जिसके जाते ही करणवीर मेहरा और करणवीर के साथ साथ दिग्विजय सिंह राठी हुए खुश? कैसे विवेन के ग्रुप को एक बार फिर बिग बॉस ने दे दिया है सबसे बड़ा झटका? दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस वीकेंड के वार से पहले टाइम गॉड चुनी जा चुकी हैं और टाइम गॉड बन चुकी हैं चुगली आंटी ईशा सिंह। तो ईशा सिंह जो कि घर में सभी की चुगलियां करने के बाद अब फाइनली उनकी चुगलियां की जाएगी, यानी कि टाइम गॉड का अधिकार मिल गया है। तो एक रानी की तरह अब घूम रही हैं घर में और अपने ही दोस्तों से काम करा रही हैं, जिसके बाद विवेन और अविनाश ने तो ये तक कह दिया कि शायद हमने गलत लड़की को टाइम गॉड बना दिया। इससे तो अच्छा होता कि एडन बन जाती, भले ही करणवीर मेहरा को सपोर्ट करती लेकिन हमसे इतना काम तो ना कराती। लेकिन अब ईशा ने चली थी सबसे गंदी चाल, ईशा का पलट गया है गेम। बिग बॉस के मेकर्स ने खेला अपना सबसे बड़ा दाव। दरअसल ईशा ने सोच कर रखा था कि उसे मौका मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी इंसान टाइम गॉड बनता है, जो भी कंटेस्टेंट टाइम गॉड बनेगा, उसके पास होगा सबसे स्पेशल पावर। वो कर सकता है किसी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त, किसी भी कंटेस्टेंट को घर से नॉमिनेट होने से सेफ, यानी कि एक ही कंटेस्टेंट है जिसे बचाया जा सकता है टाइम गॉड द्वारा। अब जाहिर सी बात है कि अगर ईशा सेफ करेगी तो किसे करेगी? आप खुद सोच सकते हो कि ईशा करेगी अविनाश को सेफ, क्योंकि ईशा जो है वो अविनाश के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल दिखती है। हालांकि वो ना ही अविनाश की है ना ही विवेन की है, सभी को पता है कि ईशा गेम की है और ईशा गेम के लिए इस तरीके से रिश्ते बना रही है। जैसा कि बिग बॉस सीजन 16 में शालीन भनोड और टीना दत्ता का था यही रिश्ता, मुझे देखने के बाद याद आता है ईशा और अविनाश का। खैर, इन दोनों का रिश्ता जो भी हो, लेकिन ईशा ने बड़ा फैसला ले लिया था विवेन और अविनाश से बात करते हुए। आखिर मेकर्स ने कैसे किया है ईशा के नापाक मंसूबों को साफ? दरअसल ईशा ने ये बात सोच रखी थी कि अविनाश को उसकी वजह से नॉमिनेट किया गया है, तो अविनाश को मैं सेफ करूंगी नॉमिनेशन से। वैसे अब मैं आपको बता दूं कि मिडवीक इविक्शन में बिग बॉस ने दिया है सबसे बड़ा झटका। अब है 7 कंटेस्टेंट नॉमिनेट, जिसमें तेजिंदर बग्गा हैं, विवेन दिसेना हैं, अविनाश मिश्रा हैं, साथ ही साथ करणवीर मेहरा हैं और इसके साथ श्रुतिका अर्जुन हैं। श्रुतिका अर्जुन के साथ एडन रोज को भी नॉमिनेट किया गया है। तो ये कंटेस्टेंट है जो नॉमिनेट हो चुके हैं। लेकिन इस लिस्ट में अगर हम वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो भाई साहब, वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है? तो लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड कहता है कि तेजिंदर बग्गा बॉटम में सबसे लास्ट पर आ चुके हैं। वही तेजिंदर बग्गा जिनको कल तक 6th पोजिशन पर रखा गया था, लेकिन सारा का ड्रामेबाजी, सारा और श्रुतिका की जो ड्रामेबाजी है वो काम कर गई है दोस्तों। फाइनली सारा जो है वो 6th पोजिशन पर आ गई है और अपने आप को सेफ कर लिया है। श्रुतिका ने भी अपने आपको सेव कर लिया है 5th पोजीशन पर आकर। तो जाहिर सी बात है कि लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड जो कह रहा है उससे सबसे बड़ा झटका लगने वाला है बग्गा को। लेकिन बिग बॉस ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। बिग बॉस ने बुलाया है ईशा को कन्फेशन रूम में और बिग बॉस ने ईशा को कहा कि ईशा, हर बार मैं टाइम गॉड को एक स्पेशल पावर देता हूँ कि वो अपने किसी भी कंटेस्टेंट को नॉमिनेशन से, यानी कि घर से बेघर होने के लिए सेव कर सकता है। लेकिन इस बार आपके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज है, जानना चाहोगी क्या है? जिसके बाद ईशा ने कहा कि जी बिग बॉस, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। बिग बॉस ने कहा कि इस वीकेंड के वार पर ईशा, ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, तुम घर वालों को मत बताना कि यहाँ पर एक नहीं दो कंटेस्टेंट को हम नॉमिनेट करने वाले हैं। लेकिन ईशा, इसमें सरप्राइज ये नहीं है, सरप्राइज है कि इस बार टाइम गॉड को वो अधिकार नहीं मिलेगा, वो स्पेशल पावर नहीं मिलेगा जिससे वो
किसी भी की नहीं एक कंटेस्टेंट को वो सेव कर पाएगा। जिसे सुनने के बाद ईशा को मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, ईशा के होश उड़ गए, क्योंकि ईशा अविनाश को सेव करना चाहती थी। जाहिर सी बात है कि अगर बॉटम की बात आएगी तो ईशा तेजेंद्र बग्गा को सेव करेंगी, क्योंकि तेजेंद्र बग्गा के साथ उनका दिल का कनेक्शन है, एक पर्सनल जो है वो रिलेशन है। साथ ही साथ बग्गा जो है वो विवेक ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है। बग्गा सबसे बड़ा दुश्मन है करणवीर का। अब जो भी करणवीर का दुश्मन होगा उसके साथ कौन हाथ मिलाएगा, या आप सभी लोग को पता है कि अविनाश हाथ मिलाएगा, ईशा हाथ मिलाएगी, विवेन हाथ मिलाएगा, और अब तो रजत दलाल ने भी विवेन के ही ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। तो बिग बॉस ने यहां पर अपना सबसे बड़ा दाव खेला और ईशा को वो पावर नहीं दी जो पावर को लेकर वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। अब बिग बॉस ने अनाउंस किया है कि यहां पर 7 कंटेस्टेंट हैं, लेकिन आज 7 कंटेस्टेंट में से कोई एक कंटेस्टेंट आपका साथ छोड़ देगा हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं और सबसे ज्यादा डरे हुए 2 कंटेस्टेंट थे, तेजेंद्र बग्गा और सारा आफरीन खान। सारा आफरीन ने तो ये तक कह दिया था कि शायद ये वीक मेरे लिए आखिरी वीक होगा। अब बग्गा पाजी जो है वो विवेन से बात करते नजर आए हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं इस बार घर से बेघर होने वाला हूं। बिग बॉस ने यहां पर अनाउंस किया है कि मिडवीक इविक्शन होगा और ये मिडवीक इविक्शन वोटिंग के आधार पर किया जाएगा। अब वोटिंग के आधार पर बिग बॉस ने बग्गा को यानी कि तेजेंद्र बग्गा को चाय पीते पीते चाय वाले तक जाने का एक टिकट काट दिया है, और ये टिकट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल टिकट है। तो मिडवीक एविक्शन किया है बिग बॉस ने तेजेंद्र बग्गा पाजी का। अब पंजाब में जाकर चाय पिलाने को बिग बॉस ने आदेश दे दिया है तेजेंद्र बग्गा पाजी को। बग्गा के जाते ही जहां करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी और शिल्पा काफ़ी खुश थे, तो विवेन दिसेना का पूरा ग्रुप जो है वो इमोशनल हो गया है। ईशा सिंह फूट फूट कर रोने लगी बग्गा पाजी के जाने के बाद, क्योंकि ईशा के साथ बहुत ही अलग रिलेशन था, एक अलग लगाव था, ये बात सभी को पता है। अब ईशा के निकले हैं आंसू और विवेन के ग्रुप से एक और कंटेस्टेंट हो गया है कम, करणवीर को मिल गया है बड़ा इंसाफ। वो बग्गा पाजी जो कर रहे थे करणवीर को टारगेट, आज बिग बॉस ने कर दिया है घर से बेघर। ये था एविक्शन, मिडवीक एविक्शन पर आपका क्या है ओपिनियन? क्या बिग बॉस ने ये जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, या फिर लगता है आपको कि ये बायस्ड फैसला है? मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।